नमस्कार, जीएस फोरम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोबेल पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एक से दो सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के अपने इस विशेष वीडियो में हम 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे हैं, किसको कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साल 2020 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में तीन लोगों को संयुक्त रूप से चुना गया है, जिसमें माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस का नाम शामिल है। इनको यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। साल 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार अमेरिका के रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए, जबकि रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया। साल 2020 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार दो महिला वैज्ञानिक, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डाउना को संयुक्त रूप से जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया। साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लक को उनकी पोएट्री फॉर हर अनमिस्टिकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टेयर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस यूनिवर्सल को दिया गया। साल 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP को दिया गया। WFP को यह पुरस्कार विश्व भर में उसके द्वारा चलाए जा रहे भुखमरी के विरुद्ध कार्यक्रम के लिए दिया गया। साल 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के नए आविष्कार के लिए दिया गया। तो ये था 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। और अब आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो न सिर्फ आपको रोमांचित करेगा बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साल 1901 से 2020 के बीच अब तक 933 शख्सियतों और 28 संगठनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक कुल 602 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। साल 1901 से 2020 तक भौतिकी के क्षेत्र में 216 लोगों को और 114 बार यह पुरस्कार दिया गया। जॉन बर्डिन अकेले ऐसे भौतिकविद हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दो बार 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1901 से 2020 के बीच अब तक कुल 112 बार 186 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। फ्रेडरिक सेंगर अकेले ऐसे रसायन शास्त्री हैं जिन्हें 1958 और 1980 में दो बार रसायन विज्ञान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 तक 111 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पुरस्कार से अब तक 222 लोग सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में 2020 तक 116 साहित्यकारों को 112 बार यह पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में 2020 तक 107 हस्तियां और 28 संगठन इस पुरस्कार को हासिल कर चुके हैं। इस क्षेत्र में अब तक 101 बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से 2020 तक 52 बार 86 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए कोई भी व्यक्ति खुद का नामांकन नहीं कर सकता। और अब आइए बात करते हैं कि किस नोबेल पुरस्कार के बारे में कौन सी संस्था निर्णय करती है।
भौतिकी और रसायन शास्त्र के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, शरीर विज्ञान या औषधि के लिए द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य के लिए द स्वीडिश एकेडमी और शांति के लिए नॉर्वे की संसद के द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय समिति द्वारा अर्थशास्त्र के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अब तक किन भारतवंशियों या भारत में नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अब इस पर एक चर्चा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए 1930 में। हरविंद खुराना औषधि के लिए सम्मानित किए गए 1968 में। मदर टेरेसा शांति के नोबेल पुरस्कार से 1979 में सम्मानित की गईं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। दलाई लामा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए और उन्हें इस पुरस्कार से 1989 में सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे। वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, तो कैलाश सत्यार्थी शांति के नोबेल पुरस्कार से 2014 में सम्मानित किए गए और हाल फिलहाल में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा विशेष वीडियो जो कि आधारित था नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची को लेकर। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी एक विशेष मुद्दे पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।